हाय फ्रेंड्स, मैं आपका एयर फिल्टर कैसे सेट करते हैं वो आज दिखाने वाला हूँ। इसका एयर फिल्टर राइट साइड में रहता है, पहले खोलना पड़ता है। और ये देख सकते हैं इधर तीन स्क्रू है, इधर एक नहीं है, इधर आठ नंबर रहते हैं। वो अभी इसने खोला था तो स्क्रू डाल दिया इधर। एयर फिल्टर इसका बहुत दिन से साफ नहीं किया लगता है, देख सकते हैं कितना धूल है इधर। लगा हुआ है देख सकते हैं, बहुत ही गंदा है इधर, अंदर भी बहुत गंदा हुआ। एयर फिल्टर अब जब ऑयल चेंज करे 2000 किलोमीटर में ऑयल चेंज करे तभी आपको एयर फिल्टर साफ करना चाहिए। ज़रा पेट्रोल से बहुत कीमत है यार पेट्रोल की, तो ज़रा पेट्रोल मार लूँगा। लेने के बाद ब्रश से ज़रा तो हो गया, मतलब साफ करते इधर तो ये साफ कर दिया। तो उसके बाद इसको भी साफ करेंगे जरा एकदम प्रॉपर से। पेट्रोल मार लिया इसको भी, चकाचक हो गया इसको भी, अभी साफ हो गया। तो अभी एयर फिल्टर को साफ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा धूल है इसमें, ध्यान से निकलना पड़ता है नहीं तो फट जाता है। आप देख सकते हैं फिल्टर पहले कैसा था, अभी बहुत। कंपनी तो बोलते हैं यार इसको साफ नहीं करने का, डायरेक्ट चेंज करने को भी बोलते हैं कंपनी। अभी एयर फिल्टर ठीक है, इसको चेंज करने की कुछ ज़रूरत कोई तो नहीं है। तो हो गया क्लीन एकदम, देख सकते हैं आप। उसके बाद इस जाली को भी हम साफ कर लेंगे इधर पेट्रोल मार के। बस भी मार के ज़्यादा सा एकदम, बहुत इसके भी साफ हो गया। हम फिटिंग करेंगे, पहले एक कट रहा था इधर, ऐसे फटता है जी। उसके बाद हम इस फिटिंग हो गया एकदम चकाचक हो गया, इसमें ज़रा सा ऑयल मार लेंगे तो धूल चिपक जाता है इधर, कार्बोरेटर में धान नहीं जाएगा। हो गया, तो अभी इधर बैठता है अभी इधर। पहले फिल्टर उसके बाद ये जाली रहता है, एक साथ भी डालेंगे चलता है तो अलग अलग भी मेरे बीच चलेगा। वो अभी बैठ गया है। और ये देख सकते हैं ये होल, इधर कार्बोरेटर रहते हैं।
और ये गैप इधर बैठने वाला है। और बैठ गया एकदम टाइम से हो गया। और अभी स्क्रू सब फिटिंग कर देंगे। इधर आदमी था, इधर तो इसका टूटा हुआ है तो इधर स्क्रू लगाया हुआ। ऐसा था उसका भी फिटिंग कर देता हूँ। हो गया, तीनों स्क्रू टाइट कर दी। हम इसको भी साइड पैनल को ध्यान से इधर देख इधर देखेंगे ध्यान से भी इधर बैठ के बैठ गया। स्क्रू में ज़रा ऑयल लगा के इससे भी फिटिंग कर देंगे। हो गया।